हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केपीपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। अब देखो उसने क्या बोला है कि जिस आपको एस 11 फाइंड करना है, टोटल 11 टर्म्स है, मतलब आपको एस 11 फाइंड करना है जिसकी मिडिल मोस्ट टर्म, मतलब जो बिल्कुल बीच में टर्म है, वो कितनी है, 30 है। अब यहाँ पे एन आपको कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, तो मिडिल टर्म फाइंड कैसे करेंगे, बाई मीडियन फॉर्मूला। मिडिल टर्म इज इक्वल टू 11 प्लस 1 अपॉन में 2 टर्म, क्योंकि ये हमारे पास ऑड है ना, तो मिडिल टर्म इसकी एक ही होगी। यहाँ पे आएगा आपके पास 6, तो 6 हमारे पास क्या होगा, मिडिल टर्म होगी, ठीक है जी। अब मिडिल मोस्ट टर्म आपको दे रखी 30, मतलब ए 6 इज इक्वल टू दे रखा है 30। ए 6 का मतलब ए प्लस का 5d आपको गिवेन है कितना, 30, ठीक है जी। अब इसको तो यहीं छोड़ देते हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 11 टर्म। अब आपसे एस 11 पूछा है, एस 11 का मतलब 11 बाई 2 ब्रैकेट में 2 ए प्लस 11 माइनस 1 डी, ये आ गया 11 बाई 2 ब्रैकेट में 2 ए प्लस का 10 डी, ठीक है जी। यहाँ पे ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा ए प्लस का 5d, 2 से 2 कैंसिल आउट, ए प्लस 5d की जगह पे बाई यूजिंग इक्वेशन 1 इसकी जगह पे लिख दो 30, भाई a प्लस 5d की जगह पे 30 लिख दिया हमने बाय यूजिंग इक्वेशन 1, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 330। ये हमारे पास s 11 आ गया, क्लियर है जी, सिंपल है बहुत।